नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण लाने जा रहा है, वर्षों में बनता है। ऐसा दुर्लभ महासंयोग इस दिन मतलब सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक घर के इस कोने में फेंक दे जिससे गरीबी हो जाए खत्म। एक महीने में धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। यदि आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं 8 अप्रैल की अमावस्या के दिन, तो आपको मालामाल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे जलता हो, यानी आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिससे यदि आप 8 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो दोस्तों समझ लें, आपके तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी, जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है, और आप एक महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो आपको ज़रूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कॉमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आ जाएगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास जाएगा, चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व दर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। इस समय माघ चल रहा है, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के पवित्र दिन माघ का मास भी इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि माघ में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल माघ में वाली अमावस्या तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए जो भी उपाय करता है, उस व्यक्ति को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते, घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, अपनी अपनी राशि कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस दिन मतलब सोमवती अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और मन ही मन एवं नमो कार्य करने चाहिए, तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन की विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दुख दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप समय में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। ज़रा सा नमक खाने में कम ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है।
नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नज़र से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हमारे तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन नमक, डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रात और अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाएं नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में दो बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही साथ नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र में एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां लक्ष्मी आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को छुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ यदि आपके घर में सदैव कलह क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो तो इसे दूर के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का यह उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में तो आप व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं, मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर
अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डल्ली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक व कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में केवल कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से राहु व केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि और मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आप कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमिरा या फिर अपने घर की जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिकोने में या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधी बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने से विरोधियों द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के योग बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। या दोस्तों, देवी धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखे नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दे। या दोस्तों, आप लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र शनि का मिलन होगा जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और हो जाते हैं दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए। इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्त। और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है
कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है, इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती। 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं मां लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती, तो शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी, आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये थोड़ा सा वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है, ये सब कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। अब तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें, फिर इसे कर दे दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है, इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, इससे मनुष्य सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ही अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मनुष्य नमक की कदर करता है उसके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। काल सर्प योग 12 राशियों 4 राशियां होंगी, करोड़पति अब भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से 12 राशियों में से 4 राशि वालों को 8 अप्रैल यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन इन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शनिदेव स्वयं इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। अब इन 4 राशि वालों के जीवन में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशी खुशियां, जिससे अब इन 4 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों ये 4 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो भगवान श्यामी देव की कृपा से 8 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन बनने वाली है, धन से मालामाल बनने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है।
दोस्तों वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव और जय हनुमान जी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सीधे हासिल हो सके। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद ही खास समझा जाता है। इस दिन दान पूजा पाठ में तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का शेष महत्व है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा व्रत करने का विधान है, साथ ही पिंडदान और पितरों का तर्पण किया जाता है। मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान पूजा जप तप और दान करने से साधक को शुभ फल की हासिल होती है। कहा जाता है, तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मनुष्य पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म अमावस्या की तिथि का खास महत्व है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। यह वह समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। मां माह में पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर कई साधक मौन साधना करते हैं, जिस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, माघ माह की अमावस्या 8 अप्रैल को सुबह 8:02 पर शुरू हो रही है, वहीं इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में सोमवती अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। बताना चाहेंगे आपको, माघ माह में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कई साधक दिन मौन व्रत भी धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन के देवता समझा जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, जिस कारण मन की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर मौन रहकर मन को नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी खासकर गंगा स्नान करने का विधान है। समझा जाता है कि अमावस्या पर देवता और पित्त प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है, उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य की भी हासिल ही होती है। यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों की, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से अब सफलता के नए अवसर हासिल होने वाले हैं। उन अवसरों को हासिल करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मेष राशि वालों आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। दोस्तों शनिदेव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ हासिल के अवसर हासिल होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी। अचानक से धन लाभ हासिल की आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपकी जरूर ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की खास कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय पूर्णता पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाभ उठाए और समय को अपने हाथ से न जाने दें। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शनि देव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा हासिल होगा। आपको बता दें
भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक तरह के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की हासिल होने वाली है। परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग हासिल होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शनिदेव जी की खास कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां, वह सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की खास कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप दिन दोगुना, रात चौगुना तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे, जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना होने के योग्य बन रहे हैं। भगवान धनिदेव की खास कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ हासिली के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो लोग संतान हासिल की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान हासिल होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपके सभी सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, योजना भी इनकी जरूर ही सफल होगी। भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शनिदेव, अब आपको अपने जीवन में अनेक तरह के लाभ, धन लाभ और सफलता की हासिल होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान शनि की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की आपके ऊपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, आप बता दें, भगवान शनि देव की कृपा से अब आपके लिए धन हासिल के अनेकों अवसर हासिल होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संत हासिली की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान हासिली का सुख मिलेगा, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वालों, आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की हासिली होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, सिंह राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो आती है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको हासिल होगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें,
आप लोगों के ऊपर भगवान की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी अब वे परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको धन हासिल की अनेकों अवसर हासिल होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक तरह के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको हासिल होने वाली है। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर खास रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशि वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा।